अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक संडे मार्केट में। और ये संडे मार्केट हमारे एरिया में लगती है जहाँ पर हम रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त जगह है, वहाँ पर बच्चों के लिए उनकी इंजॉयमेंट की सारी चीज़ें हैं। जंपिंग कॉसल है, उसके अलावा स्टॉल लगते हैं वहाँ पर डिफरेंट चीज़ों के। और बिल्कुल ऐसी मार्केट्स तो पाकिस्तान में भी लगती हैं, ऑलमोस्ट हर शहर में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ भी इस तरह की चीज़ें और इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा और संडे को तो हर फैमिली ही कुछ ना कुछ प्लान करती है कहीं बाहर जाने का, या फैमिली गेट टुगेदर होता है। तो उस तरह से ऐसी कोई एक्टिविटी मिल जाए तो आपका जो वीकेंड है वो बहुत ज़बरदस्त गुजर जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और ये ओपन एयर जगह है, बहुत साफ़ सुथरा माहौल है। और यहाँ पर टेंट भी लगे हुए हैं और हर टेंट के नीचे जो है डिफरेंट चीज़ें हैं, कहीं स्टॉल है, कहीं सिटिंग एरिया ये है। हम लोग जहाँ रहते हैं बिल्कुल उसी एरिया में है, और हर मंथ के लास्ट संडे पे होती है। यहाँ पर कुछ स्टॉल्स होते हैं और बच्चों के लिए, उनके लिए कुछ प्ले लैंड है छोटा सा बनाया हुआ। और आज मैं आपको ये सारी शॉप्स भी दिखाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त जगह है। सो कम लेट्स सी विद अस। What's the price? This one is 90. 90 rand. Yes. Okay. These all. 90, 75, 80. If you take two, then it's 75 each. And if you take these two? This one is 90. No discount. No. Okay. And there are different types. Okay. तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मुझे दो तीन पहन के देखूँगी कौन सा इसमें मुझे ज़्यादा पसंद है, अच्छे लग रहे हैं। ओके, विच वन इज़ लुकिंग बेटर? तो ये सारे एक से बढ़कर एक लग रहे हैं। 90 रैंड की प्राइस बड़ी सेट है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू गेट द बबल्स फॉर माई बेबी। तो हम जब भी यहाँ आते हैं तो बस उसको बबल ख़रीदने होते हैं। सो आई एम गोइंग टू गेट दिस वन एंड 20 रैन है। यहाँ पर देखिए, ये कुछ कप्स हैं, कुछ ग्लासेस हैं, और इधर कुछ ज्वेलरी है, ये कुछ नेकलेसेस हैं। और यहाँ पर कुछ पोनी टेल्स हैं, बिग पोनी टेल्स। यहाँ पे क्लोथिंग शॉप भी है, ओपन एयर क्लोथिंग शॉप। अगर आपको कुछ पसंद आ जाए यहाँ से, तो समटाइम ऐसी जगहों से भी कुछ चीज़ें पसंद आ जाती हैं। आप थोड़ा सा अगर टाइम निकालें और आराम सुकून से देखें तो क्योंकि यहाँ तो गर्मियाँ हैं तो कॉटन। The lilies are spirally and have pointy ends. So the way you wear it is you put it in a ponytail and then it shakes in your hair like this. See, oh wow. See? We call it lily. Then this one here, I call it origami scrunchie. So it's thin like paper. And so you put it in a ponytail and then it shakes in your hair like that. So I like making creative, things that are very eh? unusual. I want to make them almost like artwork. और यहाँ पर बुक शॉप भी है। अगर आपको बुक्स रीडिंग का शौक है तो आप यहाँ से बुक्स बहुत अच्छी प्राइस से ले सकते हैं। और अभी हम यहाँ से कोई बुक देखेंगे, अगर हमें कोई अच्छी बुक मिल जाए। ये बहुत ही आराम सुकून से ये देखना पड़ेगा। ओके, सो वी गोइंग टू बाय दैट नट्स आलमंड। यस, दिस वन, गिव अस दिस वन। इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। और यहाँ पर सब्जियों का भी स्टॉल है,
आप किचन को बिल्कुल नहीं भूल सकते जहाँ भी जाएं। और ये हमको याद करा रहा है कि घर जाके खाना बनाना है। और इस तरफ सारे फूड स्टॉल हैं, ऑलमोस्ट हर तरह की फूड है। और यहाँ पर देखें, इस तरफ भी फूड स्टॉल हैं। और हमें लेने हैं समोसे, यहाँ से समोसे मिलते हैं। और अब हमें चेक करना है कि वो पड़े समोसे। तो इनके पास बीफ समोसा है, चिकन समोसा है, चीज़ समोसा है, पोटैटो, स्पाइसी पोटैटो। हेलो, सो विच वन वी गोइंग टू गेट? टेक सम चिकन एंड पोटैटो। चिकन एंड पोटैटो, हाय, गिव अस टू चिकन एंड पोटैटो, दिस स्पाइसी, नो चिकन चिकन चिकन, या टू दिस चिकन, या टू ऑफ दिस, टू चिकन टू पोटैटो। और ये सारा फूड एरिया है। तो अब हम यहाँ से सारा घूम फिर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे इस तरफ, यहाँ पर सिटिंग एरिया है। और वो देखे इन द मिडल देर आर सम सिंगर्स जो आपको डिफरेंट सॉन्ग्स सुना रहे हैं लोग, पता नहीं। एंड हाउ यू चिकन? Huffy and the paper start my own conversation. With the sidewalk and the pigeons and my window reflection. The mask I polish in the evening by the morning looks. Take more? तो यहाँ पर मेरी बेटी 1 साल आई है, ये एक क्रेश है और ग्रेड आर तक वो यहाँ रही हैं। उसके बाद हम उनको ले गए थे दूसरे स्कूल में, क्योंकि आगे ग्रेड 1 की क्लासेस थी वहाँ, 1 से 5 वहाँ। तो और इस तरफ ये लेक है और यहाँ पे एक बोट भी खड़ी है, जो कि आपको अगर यहाँ बोटिंग करनी है तो ये एक बोट है। और इस तरफ ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटाका आइलैंड। तो ये गेम रिजर्व टाइप है, अंदर से बहुत बड़ा है। और यहाँ पे ये उसकी एंट्रेंस है। और इस तरफ यहाँ पे एक ओल्ड इंजन रखा हुआ है इन्होंने बच्चों के लिए। आज मैं पहली बार यूट्यूब की वीडियो के लिए इसमें आई हूँ। 4 साल से हम यहाँ आते हैं, मैं कभी नहीं आई। और यूट्यूब की वीडियो के लिए देखें, आज मैंने इसके अंदर भी थोड़ी सी सैर कर ली है। और उस तरफ लेक है और ये रियल इंजन है। और उन्होंने अब इसको बिल्कुल ऐसे एक डेकोरेशन पीस सा बना कर रख दिया हुआ है बच्चों के लिए। दूसरी तरफ सारी लेक है। और अब मुझे यहाँ से नीचे उतरना है, तो बहुत ख़तरनाक है। और ये देखें, ये इंजन अंदर से कुछ ऐसा है। और इस तरफ से इसका सारा फ्रंट पार्ट है। और इस साइड पे हमारा घर है। अगर हम यहाँ से वॉक करके जाएं तो इस साइड से हम ये इसके साथ ही जहाँ से लोग आ रहे हैं, फुटपाथ बना हुआ है, इस तरफ से हम जा सकते हैं। लेकिन हम गाड़ी पे आए हैं तो हम अभी यहाँ गाड़ी पे बैठेंगे और कर जाएंगे। लेकिन ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है जिधर हम आए हुए हैं।